बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मैं रेहान यासीन और मैं निसार अहमद। दिया जलाए रखना है कि ये व्लॉग एपिसोड है, इसके साथ हम हाजिर हैं और ईद उल अज़हा मुबारक कहते हैं। नाज़रीन, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट बहुत सारे काम कर रहा है। कुर्बानी के मौके पर हम कुर्बानी सदारी कर रहे हैं, हम गोश्त तकसीम कर रहे हैं और हम कुर्बानी खाले जमा कर रहे हैं। ये हमारी पूरी एपिसोड जो है ये व्लॉग एपिसोड है, आपको बराह रास्त दिखाई जा रही है और बहुत जल्दी तैयार होगी। और हम आपको बैकग्राउंड में गोश्त दिखा रहे हैं कि गोश्त लिखा हुआ है, हमें सिर्फ गोश्त की ज़रूरत नहीं है, खालों की ज़रूरत नहीं है, गोश्त की भी ज़रूरत। ये गोश्त तो यानी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत रहती है, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, उसमें ज़रूरी है कि मुस्तहिकीन की इमदाद की जाए। 10,000 से ज़्यादा टोकन तकसीम हो चुके हैं और ये सारा का सारा अल्लाह के आसरे और आपकी उम्मीद पर हमने किया है। तीनों दिन में हमें गोश्त चाहिए, आज पहला दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त की वाफिर मकदार है, लेकिन अभी लोग आने शुरू हुए हैं, ये लाइन लगी हुई है लोगों की और इनको 5-5 किलो गोश्त के पैकेट दिए जा रहे हैं। तो लिहाजा ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके सामने दी जाएंगी, आपके गोश्त बड़ी कसीर तादाद हमें ज़रूरत है। अभी आपको नज़र आ रहे हैं गोश्त, लेकिन जाहिर है कि लोग मुसलसल आ रहे हैं। और ये ख़ास बात है कि हम इसको बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में तकसीम करते हैं, हमने स्लॉट्स बनाई हुई हैं। और जब रात की स्लॉट आती है, आपको पता है किस कदर मुश्किल होती है, लोग आखिर में ज़्यादा गोश्त देते हैं। हमारी गुजारिश होगी कि आप ये गोश्त जैसे जैसे आपके पास आता रहे, हमें आप फ़ोन करें, हम एक कॉल पर आपके घर पहुँच कर हमारा नुमाइंदा आपसे वसूल करेगा। ये गोश्त जो है ये 1800 रुपये किलो है, आप 1 किलो गोश्त देंगे, हम 1800 रुपये के लिए आपके पास पहुंचेंगे। और सिर्फ इन लोगों के लिए पहुंचेंगे जो बेचारे सारा साल जिन्होंने ज़िंदगी में गोश्त नहीं खाया। तो लिहाजा ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचेगी, उस वक्त तक उम्मीद ये है कि दिन गुजर चुका होगा, लेकिन आपके पास कल का दिन होगा और परसों का दिन होगा। आज हम आपको जो गोश्त के मनाजिर दिखा रहे हैं, गोश्त की तकसीम दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह कल जो है हिस्सेदारी के हवाले से आप तक जाएंगे कि हमने हज़ारों की तादाद में बकरे ज़िबा किए हैं और लोग उसका हिस्सेदारी कर रहे हैं। और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो सोशल इदारे हैं, वेलफेयर इदारे हैं, उसमें शायद वाहिद इदारा है जो डिसेंट तरीके से गोश्त देता है, रखते नहीं है। जी जी बिल्कुल। और ये भी नहीं कहता कि 4 किलो ले जाएं, 2 किलो ले जाएं, 3 किलो, ना ना ना, पूरा आपका है। और ये जो गोश्त आज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की 25-30 साल पुरानी रिवायत है। तो हम ये चाहते हैं कि बस आप गोश्त दीजिए, गोश्त दीजिए, गोश्त दीजिए लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो सारा साल सिर्फ आपकी तरफ देख रहे होते हैं, उन सफ़ेद पोश लोगों के लिए। क्योंकि सदके का गोश्त नहीं है, ये वो गोश्त है जो मैं और आप सब खा सकते हैं, वो सफ़ेद पोश जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है लेकिन सफ़ेद पोशी की वजह से गोश्त से महरूम रहते हैं। लेकिन मैं और आप इसको नहीं खाएंगे। और नाज़रीन, हम हमेशा बात करते हैं, हम ज़रा अच्छा लगना भी चाहते हैं आपके सामने। आज मैं ये बड़ा टाइम लग रहा था, बहुत प्रेशर था, तो मैं अभी खत नहीं बनवा सका, कुर्बानी मैंने कर दी है अपनी। लेकिन मुझे यकीन है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपने ये भी महसूस किया होगा कि रेहान साहब बहुत स्लिम हो चुके हैं पहले के मुकाबले में, इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द स्लिम हो जाऊँ। सबसे ज़्यादा तो हमें 10 रोज़े रखे हैं, 9 रोज़े रखे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो रोज़े रखा करें और ख़ासतौर पर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखें। मैं आपको टिप बता रहा हूँ, तो ये रोज़ा जो है ये आपको बहुत स्लिम करेगा, डाइटिंग का बेहतरीन है और ख़ासतौर पर आपको अंदरूनी तौर पर आपके जो आज़ाए रईसा हैं उनको बहुत बेहतरीन करेगा इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, निसार साहब इजाज़त दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए मुझे और रेहान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।